talaga? गौर से देखिए इस चीज को। ये है लजीजे खास करौंदा का अचार। आ गया ना मुंह में पानी। नमस्ते, कैसन बा? सुनेंगे आपकी वाणी मीनी की जुबानी। अचार हम भारतीयों की आन बान शान और पहचान है। हर घर की सेवियर है अचार। बारिश के मौसम में करौंदा बहुत मिलता है। इसका खट्टा मीठा स्वाद बहुत अच्छा लगता है। ये मैंने पिछले साल करौंदे का अचार बनाया था, लेकिन इस बार जो मैंने करौंदे का अचार बनाया है उसकी कहानी बहुत मज़ेदार है। हुआ यूँ कि हम लोग गए थे घूमने, रास्ते में हमें दिख गया करौंदे का पेड़, तो उसे देखकर मेरे मुंह में पानी आ गया। मैंने झट से करौंदा तोड़ना शुरू कर दिया। देखिए मेरी स्पीड, मैं आपको बता नहीं सकती मैं कितनी खुश हुई थी। देखिए कितनी वाइब्रेंट लगती है। हालांकि इसमें बहुत छोटे छोटे कांटे होते हैं, इसे संभल कर तोड़ना होता है। लगभग मैंने 1 किलो करौंदा तोड़ा। खुद से तोड़कर अचार बनाने का मज़ा ही कुछ और है। मैंने जल्दी से उसे बेकिंग सोडा के मिश्रण से धो लिया और फिर उसके बाद उसे धूप में 1-2 घंटे के लिए सूखने दिया। जब ये अच्छी तरह से सूख गया, फिर आई मसालों की बारी। मसालों में मैंने जीरा, सौंफ, अजवाइन, मेथी दाना, पीली सरसों, हिंग, हल्दी, नमक शमक और सबसे लास्ट में सरसों का तेल लिया। फिर मैंने एक बर्तन में मेथी दाना, जीरा, सौंफ और अजवाइन को थोड़ा सा भून लिया ताकि उनकी नमी चली जाए। ओहो, इन मसालों की खुशबू। मसालों की मात्राएं मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स पे बताई है, आप वहां से जाकर उसे देख सकते हैं। फिर मैंने मिक्सी जार में भुने हुए मसाले, पीली सरसों और साथ में नमक को डाला। नमक से मसाले अच्छी तरह से बारीक हो जाते हैं। उन्हें अच्छे से मैंने बारीक पीस लिया, देखिए बिल्कुल ऐसा। मैंने एक बर्तन में तेल गर्म होने के लिए रखा और जब तेल गर्म हो गया तो उसमें हींग डाली और फिर उसके बाद उसमें करौंदे को डाला। यहाँ मैंने करौंदे को साबुत रखा है। आप चाहें तो इसे 2 टुकड़ों में काट कर भी इसका अचार बना सकते हैं। आप जिस प्रकार से भी अचार बनाइए, अचार का स्वाद बहुत अच्छा होता है। उसके बाद फिर मैंने जो मसाले पीसे थे उसे मैंने इस पे अच्छे से डालकर करौंदों में मिला लिया। फिर मैंने इसमें हल्दी डाली। हल्दी डालते ही ये और सुंदर और ब्राइट हो गया और फिर उसके बाद इसे मैंने 5 से 10 मिनट के लिए मध्यम आंच पर ऐसे ही पकने के लिए रख दिया। और जब ये ठंडा हो गया तो फिर मैंने इसे साफ डब्बे में भर लिया। बचपन में मैं अपनी जींस के पॉकेट में अचार छुपाकर ले जाती थी और अपने दोस्तों को खिलाती थी। फिर जब जींस की धुलाई होती थी तो मेरी भी धुलाई होती थी। आई एम श्योर आप लोगों की भी कुछ ऐसी ही यादें होंगी। देखिए मेरा ये अचार तो बिल्कुल रेडी हो गया। 1-2 दिन में ये खाने के लिए बिल्कुल तैयार हो जाएगा। अब कुछ सीरियस काम कर ले, अचार वाचार बहुत बन गया। सोडे में कौन था? मैं थी? पता नहीं माँ जी। वहाँ कौन था? कौन था? फर्स्ट बार पूछ रही हूँ, बता दो रसोड़े में कौन था? तो आपको पता चला रसोड़े में कौन था? रसोड़े में मैं नहीं थी, मैं तो यहाँ करौंदे का अचार बना रही थी, जो बना बहुत ही टेस्टी और यमी है।
तो दोस्तों आज की वीडियो आपको कैसी लगी मुझे बताइएगा ज़रूर। वीडियो को लाइक और शेयर कीजिएगा, और अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल बटन को दबा दें ताकि मैं जब भी वीडियोस लाऊं उसकी नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। मुझसे तो रुका नहीं जा रहा, मैं तो जा रही हूँ अपने अचार को टेस्ट करने। बाय।